कैसे रखेंगे यार, इधर डॉग बिल्ली सब है, सबकी पॉटी की स्मेल आती है, सब पॉटी की स्मेल आती है ना इसलिए। हाँ चलो चलो अंदर आओ। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So guys, finally after so long मैं किसी के साथ मिलके अपने मेरे प्यारे से पेट के साथ स्टार्टिंग कर रहा हूँ व्लॉग की, एंड इसका नाम मैंने जो रखा है कहाँ कहाँ बेटे बेटे पक जाओगे आप इसके ऊपर बैठोगे तो, इसका नाम मैंने गाइज रखा है लियो। पर गाइज जो भी हो, हमारा लियो है तो सुंदर, ऐसा लगता है पूरे बर्फ से निकाला है। इतनी तारीफ मैं करता नहीं किसी की, जो तू भाग रहा है इतना ना बोल रहा है देखा। बाकी गाइज इसकी आदत इतनी गंदी है ना, ये कल ही आया है और ऐसा दिखाता है जैसे दो साल से हम जानते हैं इसको। इसके सोने की आदत इतनी गंदी है, मैं यहाँ पर सो रहा था, इसको यहाँ पर रख दिया था मम्मी ने और कूलर चला दिए थे ताकि इसको भी मतलब लाइक ठीक लगे, अच्छा लगे। बट ये क्या क्या रोने लग गया बिकॉज वो वहां पर नहीं आ रहा था, तो मम्मी को एकदम से आवाज आई तो मम्मी आई, मम्मी ने उठाया एंड मम्मी ने अपने पास रखा, फिर देन उसके बाद आराम से सोया। तो मतलब इसकी आदत इतनी गंदी है कि इसको कोई ना कोई चाहिए साथ में, है ना। मम्मी ने देखा इसको और मम्मी ने उठा के लेके गई अपने पास। मैं सॉरी, इधर से चिल्ला रहा बार बार कैं कैं कैं, फिर आके उठा के फिर उधर लेके गई, फिर सोया ये। हाँ फिर सोया, इतना इतना ज्यादा वो है ना ये डिमांडिंग तो आगे और मैं फुल एकदम रावण की तरह सोया हूँ फैल के, और इसको आने का मौका नहीं मिल रहा था तो फिर रोने लग गया डायरेक्ट, फिर मम्मी आई बेचारी। पापा ने कल रिएक्शन तो दिया नहीं, बट उसके बाद ऑफ कैमरा मेरे पापा ने ऐसा इसको मतलब बोलते ना बेटे की, ऐसा लग रहा था छोटा आकाश को ऐसा पकड़ा है और खेल रहे उनके साथ, भाई मजा आ गया था देख के। जब तक पियो ना तब तक इंसान वाली फीलिंग आती नहीं है यार, बट रोज नहीं पीना चाहिए, हफ्ते में कभी कभी एक बार या फिर दो टाइम इसलिए बिकॉज रोज नहीं पी सकते, बहुत महंगा है भाई ये। ओके सो गाइस अभी मैं आया हूँ जुहू, एंड यहाँ पर ये कौन सा होटल है भाई मैं भूल गया, सन एंड सैंड। हाँ सो यहाँ पर ना हमारा प्रमोशन है विद शैली अगेन, शी इज वेरी मतलब बोलते ना काइंड नेचर पर्सन, सो मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला कि जरूर मैं आता हूँ, आज हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं उनके साथ। और ये क्या बात हुई, आज स्टूडियो में नहीं है, आज तो फुल होटल वोटल में। यस भाई सच्ची में हम ना स्टूडियो में शूट करते करते ना बोर हो गए थे, अभी ये वाला सीनरी देख के ना मैं सोच रहा हूँ खुद का कॉन्टेंट भी शूट कर लेता हूँ। कहाँ पर है ये, तो फुल शादी वादी, ओ अंदर है क्या, मेरे को लगा यहाँ शूट करना है, यहाँ मैं अपना कर लूंगा। अच्छा अच्छा आ गए क्या सर, अरे मैं ही सबसे लेट आया हूँ। ओके सो गाइज हमारा जो शूट था शैली के साथ, मैंने मतलब मेरे को व्लॉग इतना बनाने का टाइम नहीं मिला बिकॉज मेरे को मेरे रील पे इतना ज़्यादा फोकस करना था कि मैं व्लॉग ही भूल गया। बाकी अभी हम आए हैं यहाँ पर, हम इन द सेंस मैं आया हूँ इधर शॉट पे, और हम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी मेरे दोस्त लोग जो है वो नहीं आए, मैं पहले आ गया, और ऐसा पहली बार इतने मतलब रेयर होता है कि आकाश पहले पहुँचे फिर उसके बाद दोस्त, पहले दोस्त पहुँचते फिर उसके बाद आकाश पहुँचता है। बट कोई नहीं, अभी हम आए हैं यहाँ पर बॉलिंग करने के लिए, बट अभी मेरे दोस्त लोग आए नहीं है तो मैं अभी वापस से नीचे जाऊँगा। मैंने एक मस्त सा वो देखा है अभी, क्या बोलते खिलौनों की दुकान, वहाँ से मेरे को मेरे लियो के लिए कुछ खिलौने लेने, कुछ खिलौने इन द सेंस एक दो खिलौने, इतना ज़्यादा अल्लू अर्जुन थोड़ी है जो बहुत कुछ करूँगा उसके लिए। भैया कोई ऐसा बजने वाला वो दिखाओ खिलौना जो बजे, सब बजने वाले ये आगे, ये 100 के सब। थैंक यू भैया। सो ये हमारे लियो के लिए, बिकॉज हमारा लियो है इज लाइक काइंड ऑफ सिंगल टाइप है, तो उसके लिए एक हीरोइन, हीरोइन ही ये लड़का है क्या, लड़का ही है ये, गाय है सो ये वाइट है, सो वो भी वाइट, मेरा लियो भी वाइट है, नाइस है भाई अच्छा है, मतलब ऐसा खुद को खेलने में मजा आ रहा है। हमारा लियो तो इसको पक्का मार के खेलेगा। अनदर डे सेम व्लॉग। सो कल जैसे कि मैंने आप लोगों ने देखा कि मैंने ये खरीदा है मेरे लियो के लिए, और ये भी खरीदा था, ये मैंने दिखाया नहीं, ये मेरे को रास्ते में मिला था, बट यहाँ पर हमारा लियो जो है सिर्फ इसको पसंद करता है, इसके साथ ही खेलता है और इसके साथ तो डरता है बिकॉज ये ऐसा जलता है तो वो पसंद ही नहीं है उसको। बाकी सबको थैंक यू बोल, पिछले वाले व्लॉग में जब तेरे को लाया ना घर पे सब बोल रहे थे कांग्रेचुलेशन लियो बहुत क्यूट है करके। सो जैसे कि कल हमारा लियो आया न्यू मेंबर, बाकी आज एक और न्यू मेंबर आया जो कि मैं नहीं मेरी मम्मी लेके आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस दिस इज आवर न्यू मेंबर, ये हमारी मछली है, मम्मी आज लेके आई है गोल्ड फिश, एंड गोल्ड फिश कितने, 1 2 3 10 दसवा काला निकला, बाकी गोल्ड फिश है ये, ऑल क्रेडिट गोज टू माई मॉम। मैंने देहरादून में खरीदा था बट ऑब्वियसली हम देहरादून से सिर्फ ये लाए थे, मछलियाँ नहीं ला सकते थे तो मछली हमने उधर ही रख दिया था, और ये सिर्फ इसका जो मशीन है सजाने के लिए हम मुंबई लेके आए, बट मम्मी ने मछली आज लेके आई और इसमें डाल दिया, बाकी लग बड़ा सुंदर रहा है। ऑलराइट गाइस सो अभी हम जा रहे हैं लियो को वैक्सीनेशन कराने के लिए, बिकॉज अभी लियो जो है हमारा प्रॉपर 60 डेज का हो चुका है, एंड लियो को हमने अपने जो राशन का रहता है ना सामान जिसमें हम चिप्स वगैरह रखते हैं उसको हटा के लियो को जगह दी है। आ रही है सांस, आ रही है कि नहीं,
उसको पता नहीं क्या लग रहा है कि कहाँ लेके जा रही मुझे। बैठ जा So guys, हम घर से निकले थे लियो का वैक्सीनेशन कराने के लिए। फिर एकदम से मेरे दिमाग में नॉक होता है कि शिट, सिर्फ लियो का ही नहीं, मेरा भी वैक्सीनेशन बाकी है। मैंने कोविड का फर्स्ट डोज तो लगा दिया, मेरा सेकंड डोज बाकी था। और मेरे को पापा कब से बोल रहे कि लगा, केयरलेस मत बन। पापा को बोल भी दिया लगा। हाँ, और मैंने पापा को ना डर के मारे बोल भी दिया कि हाँ लगा लिया। कल ही बोला था, गुस्से में पापा पूछ रहे थे कि लगाया कि नहीं, तो मैंने बोला कि हाँ लगा लिया। बट अभी लगा रहा हूँ, फटफट ब्लॉग देखने के बाद पक्का डांटेंगे पापा। लग तो नहीं रहा है कि खुला होगा। भैया खुला है क्या वैक्सीनेशन वाला? खुला है ना? नहीं खुला। हंस क्या रही है रे मोटी? 9:30 बजे शेष। कल आएंगे, कल कोई नहीं, 9:30 से लेके 3 बजे तक है, तो अभी सिर्फ लियो का लगा लेते। भैया इन्फिनिटी। अरे यार बैठ गए हम, अभी मना कर रहे हो आप। सीट पहले पूछना चाहिए था हमें। आई डोंट नो व्हाई मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि ये बंद है, खुला है शायद। बंद तो नहीं है ना? डॉक्टर नहीं है। आपको क्या लगता है इसमें से क्या गुलदस्ता की खुशबू आएगी एकदम फुल फ्लावर जैसी? नहीं, फिर भी थोड़ा साफ सफाई रखना चाहिए। तो साफ कैसे रखेंगे यार, इधर डॉग बिल्ली सब है, सबकी पॉटी की स्मेल आती है, सब पॉटी की स्मेल आती है ना इसीलिए। हाँ चलो चलो अंदर आओ। वेलकम वेलकम, आ जाओ। कितनी बड़ी बिल्ली है। आ जाओ। इसको मैं निकाल नहीं सकता बिकॉज अगर मैंने निकाला तो वो बड़ी बिल्ली देख लेगी तेरे को। इसका वैक्सीनेशन है? वैक्सीनेशन हम कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? आपका कुछ है क्या? हा? आपका क्या है वो, मतलब उसको इलाज में? अच्छा इलाज है क्या? डॉक्टर नहीं है ना? दैट्स व्हाई। ओके आई डोंट नो व्हाई ये पता नहीं ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, शायद यहाँ पर डॉग्स और बिल्ली सबका स्मेल आ रहा होगा इसे। क्या हुआ? कितने साल का ये? 6 साल का। अच्छा, अरे भाई साहब 15 मिनट हो गए, मेरी मम्मी तब से अंदर ही नहीं बैठी बिकॉज मम्मी को ना स्मेल आ रहा है भाई। कोई नहीं यार, अरे भाई डॉग है शेर है। आर यू रेडी माय लियो? अभी भी इसको खेलने का मूड है। ओके सो गाइज, मैंने इसका अभी डिवॉर्मिंग नहीं कराया था, मेरे को अभी याद आया उन्होंने बोला कि डिवॉर्मिंग नहीं किया, तो पहले डिवॉर्मिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आफ्टर 15 डेज के बाद मेरे को वापस आना है वैक्सीनेशन के लिए। सो ये अभी इसका डिवॉर्मिंग हो गया एकदम अच्छे से। सो गाइज, मैंने मम्मी और लियो को घर भेज दिया है और मैं आया यहाँ पर इन ऑर्बिट मॉल बिकॉज मेरे को शॉपिंग करना है, कल मेरा शूट है एंड शूट में मेरे को पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ ऐसे बिकॉज बारिश हो रही है अब जैसे कि देख सकते हो। एंड मैंने मुंबई में बारिश आफ्टर सो लॉन्ग मैंने देखा होगा 8 महीने पहले जब मैं मुंबई में शिफ्ट हुआ था, बट अभी बारिश देख रहा हूँ इतना अच्छी फीलिंग आ रही है ना। ओके सो गाइस, बैक टू दी होम। एंड आज का दिन बड़ा मतलब कॉमेडी बोल सकते हैं क्योंकि गया वैक्सीनेशन कराने के लिए दोनों का, बट दोनों का नहीं हुआ। एंड इसको मेरे को 15 डेज के बाद लेके जाना पड़ेगा। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। कल मेरा शूट है, कल मेरे को जल्दी उठना है जितना हो सके बिकॉज मेरे को टाइम पे पहुंचना है, बिकॉज कल का शूट जो है 2 बार है, 2 शूट है मेरे, एंड दोनों शूट मैं मिस नहीं करना चाहता। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। होप करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी इसको देखो, आज खेलने के मूड में रात के 11 बजे। क्या हो गया, मजा आया आज? ओके सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।